नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस अ मंकी इज डिस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द मंकी वॉट शुड बी द मिनिमम एक्सलेशन विद विच मंकी कैन स्लाइड डाउन द ब्रांच ये हमारा सवाल है सो मंकी right? so, एक ब्रांच से ऊपर नीचे उतर है ब्रांच थोड़ी कमजोर है वो ब्रांच उसका मंकी का पूरा वजन नहीं संभाल सकती है टूट जाएगी मैक्सिमम जो संभाल सकती है दैट इज़ थ्री बाय फोर या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ मास ऑफ मंकी है हमें बताना है उसका एक्सोलेशन ऊपर से नीचे आते हुए कितना होएगा ऑप्शन है जी जी बाय फोर जी बाय टू या फिर थ्री जी बाय फोर बहुत सिंपल सवाल है अपने को ये पता है कि अगर मंकी की बात करेंगे ये आपकी रस्सी है और ये मान लीजिए आपका मंकी है अगर ये नीचे इससे नीचे एक्सोलेशन से आ रहा है तो हम इस केस में टेंशन को लिखते हैं एम जी माइनस है एम जी माइनस है ये आपकी टेंशन uh, होगी और ये जो मैक्सिमम टेंशन है दैट इज़ इक्वल टू थ्री बाई फोर एम जी के बराबर है ये अपने को यहाँ पे कहा जा रहा है सो so, इसके अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो एम विल गेट कैंसल सो इट विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर जी विल बी इक्वल टू जी माइनस है ए को उधर लाएँ उसको उधर ले जाएँ सो थ्री बाय फोर तो एक्सोलेशन की वैल्यू हो जाएगी जी बाय फोर सो विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट चॉइस